चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में, और इसी क्रम में आज एस्किमोज के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि विश्व में आज भी कई जनजातियाँ अलग थलग रहती हैं, उनके जीवन जीने का जो तरीका है वो आज भी आदिम ढंग का है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा मित्रों कि जनजाति से हमारा क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जनजातियों से हमारा अभिप्राय ऐसे समूहों से है, ऐसे व्यक्तियों के समूह से जो आज भी अपने आदिम ढंग से जीवन यापन कर रही है, और ये बड़े दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। आम जनजीवन हमसे या बाकी जो आधुनिक दुनिया है उससे अलग थलग रहते हैं। इनके अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक नियम होते हैं, ये उनका पालन बड़ी कट्टरता के साथ में करते हैं। तो ऐसे समूहों को हम जनजाति कहते हैं। और इसी क्रम में आज हम एस्किमोज के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। एस्किमोज लोगों के खान पान, इनका रहन सहन, इनके रीति रिवाज, इनका सामाजिक जीवन, इनके औजार और इनका विकास, सभी कुछ हम आज जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। तो यहाँ देखिए, आर्कटिक प्रदेश से हमारा क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हम ये देख लें। तो उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम आर्कटिक के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हमें पता है कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्कटिक प्रदेश कहलाता है। तो इन आर्कटिक प्रदेशों में ये एस्किमो लोग पाए जाते हैं। और आर्कटिक प्रदेशों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र पृथ्वी पर हैं, तो देखिए, एक तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अलास्का जो कि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा कनाडा का टुंड्रा प्रदेश और ग्रीनलैंड तथा उत्तरी साइबेरिया, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी एस्किमो लोग पाए जाते हैं। और एस्किमो लोग देखिए, आखेट अर्थात शिकार करना, मछली पकड़ना, ये इनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, अर्थात एस्किमो का अर्थ क्या होता है, तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला। एस्किमो जनजाति देखिए, एक मूल रूप से मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का चेहरा सपाट चौड़ा, कद इनका ठीक ठाक होता है, न ये लंबे होते हैं न ये बहुत अधिक छोटे होते हैं। नाक चपटी होती है, आंखें गहरी कत्थई और तिरछी होती है। इनका जो मुंह का जो जबड़ा है वो भारी होता है, मुंह इनका चौड़ा, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। और इनकी देखिए सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब काफ़ी संकट का इनके ऊपर समय आता है, घोर संकट का समय हो, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में भी एस्किमो लोग अपनी स्थिरता, गंभीरता और अपने विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। जल्दी से ये अपना आपा नहीं खोते, स्वभाव से ये सरल और हंसमुख प्रकृति के होते हैं। निवास की हम इनकी बात करेंगे, इनके जो निवास क्षेत्र हैं, तो एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं।
विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो कहा जाता है, स्कैंडिनेविया में लैप्स और उत्तरी साइबेरिया में इन्हें सैमोइड्स, याकूत, चकची और तुंग आदि नामों से जाना जाता है। और देखिए, एस्किमो लोग बड़े कम तापमान पर बर्फीली आंधियों और कम रोशनी युक्त कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो अर्थात आज भी लगभग पूरी पृथ्वी पर हम देखें तो लगभग 10 लाख के आसपास एस्किमो हैं जो पिछले 10,000 सालों से ऐसी ही परिस्थितियों में निवास कर रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है और गर्मी की ऋतु बहुत ही छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रहता है। पेड़ों के अभाव में यहाँ पर बर्फ़ की आंधियाँ चलती है और बरसात अगर होती है तो वो बर्फ़ के रूप में होती है। कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे जो हैं वो केवल ग्रीष्म काल में ही देखने को मिलते हैं। और इन वनस्पतियों में देखिए, काई है, लाइकेन, शैवाल और कुछ रंग बिरंगे फूल, बस यही वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। जंतुओं में अगर बात करें तो ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ से हमारा तात्पर्य रेंडियर से है। इसके अलावा लोमड़ी, भेड़िए और कुत्ते, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। समुद्र में सील मछलियाँ, व्हेल, वॉलरस जैसी मछलियाँ पाई जाती है जिनका ये लोग शिकार करते हैं और अपने जीवन में काम में लेते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों की अगर हम बात करें तो देखिए, शिकार की सबसे पहले बात करते हैं। और शिकार करना एस्किमोज के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। यहाँ पर और इनको कोई काम नहीं होता, केवल ये दिन भर अपना शिकार करते हैं और खाते हैं और सोते हैं, ये इनका जीवन होता है। तो शिकार करना देखिए एस्किमो लोगों का एकमात्र जीविका का साधन है और ये शीतकाल और ग्रीष्म काल में अलग अलग तरीक़ों से शिकार करते हैं। सबसे पहले शीतकाल की शिकार की बात करते हैं तो सर्दी की ऋतु में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में सांस लेने के लिए आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है और एस्किमो अपने विशेष हथियार जिसे हार्पून कहा जाता है उससे मछली का शिकार करते हैं और इस विधि को ये लोग माऊ पाक कहते हैं। और माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि इतुर पाक है जिसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं बर्फ में। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है और दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। देखिए दोस्तों, सील मछली एस्किमो लोगों के जीवन में काफ़ी महत्व रखती है। इससे सील मछली से देखिए इनको चर्बी मिलती है और चर्बी से इनको ईंधन प्राप्त होता है और ये जो ईंधन है वो विशेष इसलिए है क्योंकि दूसरे जानवरों की चर्बी से जो ईंधन प्राप्त होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं जलता और गर्मी भी कम देता है, लेकिन सील की जो चर्बी है वो अधिक देर तक जलती है और तुरंत भी जलती है और इससे ताप भी अधिक होता है। बसंतकालीन आखेट की हम बात करें तो मार्च में सील मछलियाँ सांस लेने के लिए बाहर आती है और धूप सेकती है, उसी समय इनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लिया जाता है जिसे कयाक कहते हैं। गर्मी की ऋतु में एस्किमो लोग बारहसिंगा अर्थात कैरीबो का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख और चिड़ियों का शिकार भी किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि एस्किमो लोगों के पास में रेंडियर जितने अधिक होते हैं उनका सामाजिक स्तर भी उतना ही अधिक होता है, अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड है रेंडियर। जितने अधिक रेंडियर होंगे इमेज भी उतनी अच्छी होगी।
सील मछली से जैसे हमने बात की कि एक तो ईंधन प्राप्त होता है, इसके अलावा सील मछली से देखिए खाने का मांस मिलता है, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए भी खाल, ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियाँ और धागे के रूप में इनकी तांत प्राप्त हो जाती है। भोजन की बात करें तो कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन होता है और इसके अंतर्गत ये लोग सील, व्हेल मछली और सीलोइन का प्रयोग करते हैं। वस्त्रों की अगर बात करें तो एस्किमो के वस्त्र मुख्य रूप से कैरिबो अर्थात बारहसिंगा की खाल से बने हुए होते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म और हल्की होती है। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य अधिकतर स्त्रियां ही करती है और स्त्रियों और पुरुषों के जो वस्त्र हैं वो लगभग समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसे ही वस्त्र पहनते हैं। एस्किमो लोग जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र पहनते हैं, जर्सी की तरह दिखाई देती है, जिनमें लंबी बांह होती है। आप चित्र में इधर देख सकते हैं, इसे तिमियाक कहते हैं और तिमियाक के ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है उसे अनोहाक कहा जाता है। सील की खाल से बने हुए जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। इनके निवास की बात करें तो इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने हुए होते हैं। ऐसे मकानों को इग्लू कहते हैं। इसके अलावा लकड़ी एवं वेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। गर्मी की ऋतु में ये लोग अस्थाई तंबू में रहते हैं। इनके उपकरणों और यंत्रों की बात करेंगे तो कयाक, जैसे हमने अभी बात की, चमड़े से बनी हुई एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर लंबी और लगभग 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके अलावा देखिए उमियाक, बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। इसके अलावा हारपून, अभी हमने बात की, सील मछलियों के शिकार के लिए भाले जैसी एक युक्ति होती है जो 1.2 से 1.5 मीटर लंबी होती है और रस्सी से बंधी हुई होती है। स्लेज के बारे में आपने सुना होगा, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, अर्थात इसमें पहिए नहीं होते और जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, और यह स्लेज गाड़ी वालरस की हड्डियों से बनी हुई होती है। अच्छा, आज बात करेंगे दोस्तों इनके समाज और संस्कृति की। तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय इनका समाज है और इनमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। गर्मी की ऋतु में कई समारोह और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोने में भी यकीन करते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं, अर्थात इनकी अगर भाषा की बात की जाए तो ये एस्किमो एल्यूट भाषा कहलाती है। और देखिए, इनके जीवन में एक सबसे बड़ी बात आप देखिए दोस्तों, कि जब कठोर सर्दी की ऋतु होती है तो इनके परिवार में जो बूढ़े लोग होते हैं और या फिर जो असक्त होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी की ऋतु में भोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते और आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आधुनिक संस्कृति से इनके संपर्क के बारे में। ।1960 के बाद यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ने लगा है। अब ये लोग पुराने अस्त्रों शस्त्रों की बजाय आग्नेय अस्त्रों, बंदूक, पिस्तौल आदि का प्रयोग करने लग गए हैं। इसके अलावा देखिए, हमें पता है कि ये फर और समूर जो कि ध्रुवीय भालू की खाल से बनती है, उसका व्यापार करने लगे हैं, जिससे कि इनको मुद्रा की प्राप्ति होने लग गई और इसके कारण इनके रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है। विशेषकर अमेरिकी सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं इनको दी गई, उससे इनका भरण पोषण सरल होने लगा
और इनकी जनसंख्या कनाडा एवं अलास्का में तेजी से बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, हो सकता है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो लोगों का जो वर्तमान परिवेश है, अर्थात आजकल का जो इनकी संस्कृति है, सामाजिक जीवन है, वो हो सकता है कि एक इतिहास बन जाए। जिस प्रकार ये तेजी से इनका जीवन आधुनिक होता जा रहा है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो एस्किमो लोगों के बारे में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका की बुशमैन जनजाति की। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में दिए हुए घंटी के निशान को भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।